जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के पेट्रोल पंप पे। आप पेट्रोल पंप के आज सुबह से जो है वो हालात देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, लंबी कतारें लग चुकी हैं जो कराची का मेन पेट्रोल पंप है, PSO जो ऑफिस है उसके साथ ही पेट्रोल पंप है। पूरी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, क्योंकि आज जो है पेट्रोल पंप की जो एसोसिएशन के जो डीलर्स हैं उनकी जानिब से आज हड़ताल का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 4% से बढ़ा के 6% किया जाए। लेकिन इस वक्त पुलिस वाले भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो आवाम है जहाँ पे पेट्रोल पर जो लड़ रही है उनको पूरी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पूरा आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। इस वक्त मैं आपको हालात दिखाता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल सिचुएशन ये सामने है आपके। बड़ी लंबी जो है वो कतारें इस वक्त भी मौजूद हैं, लोग जो है वो लड़ रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मुझे मिले। इस वक्त ये हालात आप देख सकते हैं, ये पूरी पेट्रोल इंतजामिया भी परेशान है, ये लोग देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आपको पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल मिल रहा है सर, बड़ी मुश्किलों से मिल रहा है, आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, बड़ी परेशानी है। आप कहाँ से हैं? सर हम गिजरी से आए। अच्छा, वहाँ पे कहीं पे पेट्रोल कहीं नहीं है। पेट्रोल पंप कहीं खुला हुआ नज़र आया? कहाँ से आए? मैं गार्डन। गार्डन से? गार्डन से बंद है पूरा? पूरा बंद है सर। क्या कहेंगे आप, बंद है पेट्रोल पंप? कहाँ से आए? भावलपुर से आए हम लोग घूमने के लिए, लेकिन घूम भी नहीं पा रहे सही तरह। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो लड़ रहे हैं। ये पेट्रोल पंप की हालात सामने आपके ये देख सकते हैं। पुलिस जो है वो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये पूरा पेट्रोल पंप खचाखच पूरा भरा हुआ है। इस वक्त जो है पूरे शहर में जितने भी पेट्रोल पंप से सवाए PSO के कहीं पे भी नहीं खुला हुआ। PSO भी आज बंद है क्योंकि रश बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पेट्रोल कहीं जो है वो हालात जो है पंप पे जो है तेल ख़त्म हो गया। इस वक्त ये देख सकते हैं। आप कहाँ से आए सर? सर हम आई आई चंडीगढ़ रोड। अच्छा, कहीं पेट्रोल पंप नहीं खुला हुआ? सही, कहीं पर अल्लाह खैर करे। इस मुल्क का निज़ाम कभी सही हो ही नहीं सकता। यहाँ आवाम पिस रही है, कहने को महंगाई है, लेकिन हर बंदा 500 पेट्रोल डलवा रहा है। अभी बोल लो घर में खाने पीने का नहीं होगा, लेकिन गाड़ी के अंदर 1500 का फ्यूल डल रहा है। हम PSO जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जो ये पीछे सामने जो है वो पीछे गली में जो है PSO के हेड ऑफिस है, ये गाड़ियों की भी लंबी कतारें जाएंगे तो गाड़ियों की भी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। जो आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो सुबह से यहाँ पे खड़ी हुई हैं। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, इंतजामिया भी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल करें इन लोगों को। लोग जो है वो मुश्तैल हो गए हैं क्योंकि हर कोई कोशिश कर रहा है कि पहले जो है वो मैं पेट्रोल कोशिश करूँ, पहले मैं जो है वो पेट्रोल भरवाऊँ। थोड़ा बताइए पेट्रोल का क्या रश कितनी है सुबह से? क्या आवाम तो आप देख रहे हो कि रश है। समझ गया, कंट्रोल में आ रही है। हाँ सर बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा रोड जाम था, इसकी वजह से ना थोड़ा पुलिस इनकी हेल्प के लिए आई है ताकि ये रोड क्लियर हो जावे और आवाम अहतमान से अपना पेट्रोल भर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। जी नाज़रीन, ये बात सुनी पुलिस वालों की कि ये जो रोड है बंद है, इस वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं कंट्रोल करने के। ये देख सकते हैं